आरडीए टांडा के अध्यक्ष डॉक्टर अमित राणा ने बताया कि मंडी में महिला चिकित्सक के साथ हुई मारपीट बदसलूकी के विरोध में एचएमओए और आरडीए ने 2 घंटे की पेन डाउन स्ट्राइक की है। हम सरकार से डॉक्टर्स को सिक्योरिटी देने की मांग कर रहे हैं तथा टांडा में भी डॉक्टर्स दिन रात काम कर रहे हैं, उन्हें भी सिक्योरिटी उपलब्ध करवाई जाए। जिला मंडी के पीएचसी थाची में महिला चिकित्सक पर आपातकालीन सेवाओं के दौरान हुए हमले के विरोध में टांडा मेडिकल कॉलेज की रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने 2 घंटों की पेन डाउन स्ट्राइक की। हिमाचल मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन के आह्वान पर आरडीए ने भी 2 घंटे की पेन डाउन स्ट्राइक रखी। वहीं टीचर एसोसिएशन ऑफ मेडिकल कॉलेज टांडा ने भी आरडीए की हड़ताल का समर्थन किया है। दोनों एसोसिएशन ने सीएम जयराम ठाकुर और स्वास्थ्य मंत्री विपिन सिंह परमार से महिला चिकित्सक पर हमले के आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार करने की मांग की है। वहीं टीएएमसीओटी ने भी एचएमओ आरडीए की हड़ताल का समर्थन करते हुए 21 जून से 2 घंटे तक पेन डाउन स्ट्राइक करने का निर्णय लिया है। आरडीए टांडा के अध्यक्ष डॉक्टर अमित राणा ने बताया कि मंडी में महिला चिकित्सक के साथ हुई मारपीट व बदसलूकी के विरोध में 2 घंटे की पेन डाउन स्ट्राइक की गई है। उन्होंने कहा कि हम सरकार से डॉक्टर्स की सिक्योरिटी देने की मांग कर रहे हैं तथा टांडा में भी डॉक्टर दिन रात काम कर रहे हैं, उन्हें भी सिक्योरिटी उपलब्ध करवाई जाए। डॉक्टर साहब के साथ ऑन ड्यूटी उनसे बदतमीजी और मारपिटाई हुई है, जिसके संदर्भ में एचएमओ हिमाचल पूरी स्टेट में ही एक बंद का 2 घंटे का बंद 9:30 से 11:30 बजे तक ओपीडी वगैरह बंद रखने का आह्वान किया गया है। उसी के साथ आरडीए टांडा भी जुड़ा है और यहां पे भी हम वही उनके समर्थन में कर रहे हैं ताकि सिक्योरिटी हमारे डॉक्टर्स को प्रोवाइड की जाए। जो भी कहीं सेवा कर रहे हैं अपनी नौकरी पे बैठे हुए लोगों के लिए, तो उनको उस टाइम सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए और हमारी ये मांग है कि टांडा में भी सिक्योरिटी दी जाए, क्योंकि यहां भी डॉक्टर्स काम कर रहे हैं। इसी संदर्भ में हमने आरडीए ने आज यहां 2 घंटे की 9:30 से 11:30 तक बंद की है ओपीडी। इमरजेंसी सर्विसेज तो चल रही है, बाकी आज हमारी शिमला में मीटिंग भी है हेल्थ मिनिस्टर के साथ, सीसी मेंबर्स एचएमओ के मिलेंगे। उसके बाद अगर स्ट्राइक अगर बढ़ाने का आदेश आता है या हमारे मुद्दे आज ही सुलझा दिए जाते हैं सरकार के द्वारा, तो उस पर डिपेंड करेगा कि ये कल चलेगी या बढ़ेगी स्ट्राइक।